तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन टीआरपी आ गई है, मेन टीआरपी आ गई है बॉलीवुड टॉक चैनल पर। लेकिन दोस्तों, आप में से जिस टीआरपी की बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, वो क्यों नहीं आई? सब टीवी टीआरपी क्यों नहीं आई? तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सब टीवी की टीआरपी के बारे में और किस टीवी सीरियल की सबसे कम टीआरपी आई है। जी हाँ दोस्तों, ये भी हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से दोस्तों देख लेते हैं सब टीवी की टीआरपी क्या आई है, किस टीवी सीरियल की कितनी टीआरपी आई है, किस रैंकिंग पर आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नंबर वन पर है। इसमें कोई डाउट की बात होती नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2.6 पॉइंट्स के साथ, अलादीन 1.2, बालवीर रिटर्न्स 1, मैडम सर 0.8, तेरा क्या होगा आलिया 0.7, तेनाली रामा 0.7, भाखरवड़ी 0.6। तो गाइस, यहाँ पर अलादीन की जो टीआरपी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। उसके अलावा बालवीर रिटर्न्स की वही सेम टीआरपी है, मैडम सर 0.8 की टीआरपी लेकर आया है, तेरा क्या होगा आलिया 0.7, तेनाली रामा 0.7 और भाखरवड़ी 0.6। तो गाइस, इस हफ्ते जो सबसे कम टीआरपी आई है वो आई है भाखरवड़ी की। हालांकि जो पिछले हफ्ते सबसे कम टीआरपी आई थी वो आई थी तेनाली रामा की। तो दोस्तों, सब टीवी की टीआरपी की खास बात यह है कि सबको पता होता है कि नंबर वन पर कौन सा टीवी सीरियल आने वाला है, लेकिन दोस्तों किसी को नहीं पता होता कि सबसे कम टीआरपी के साथ कौन सा टीवी सीरियल सबसे कम टीआरपी लाने वाला है। तो इस हफ्ते भाखरवड़ी की सबसे कम टीआरपी थी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो सब टीवी की टीआरपी को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।